webinar series Ayush Vibhodini. I first of all thanks Chairman Sir of our college, Engineer Amarjit Singh Walia, and respected Principal Sir, Principal Ma'am, Dr. Meenakshi Nath, and Vice Principal Dr. Mridu Sharma for such a great initiative. Now I will request Dr. Mridu Sharma to say a few words to boost our confidence. Over to you, ma'am. Now, I welcome you and I want to congratulate my staff for the smooth conduction of this Ayush Vibhodini series. I know it's the third day, but I'm quite sure that it's a great series. And I want to welcome and thank Dr. Nandhya, yes, sir, for giving this precious time to us. Welcome, sir. Now, I welcome Dr. Naren Khajuria, speaker of the day. Dr. Naren Khajuria, born in Jammu, completing his UG from Karnataka Ayurvedic Medical College, Mangalore in 2008 and PG from JIR 2014. Pursued PhD from NIA Jaipur under the guidance of Professor O.P. Ganesh 2018. He worked as Associate Professor at the Guru Nanak Ayurvedic Medical College, Ludhiana, till 2020. He is presently working as lecturer at RG Government Ayurvedic College, Paprola. He has presented research paper in many national and international seminars and has also published research paper in reputed journals. Now, today topic is Aha Park. Now, I request Dr. Naren sir, share your valuable words with us. Over to you, sir. Yes, I'm audible, sir. Yes, sir. First of all, thank you for giving me an opportunity to present my views. So, आज जो मैं topic दे रहा हूँ, that is Ahar Park. तो पहले तो next slide, second number. आदि देव भगवान धन्वंतरि को नमस्कार करके हम आगे चलेंगे. जो अपूर्व वैद्य हैं, जिन्होंने आचार्य वैद्यों आचार्य रोगों को भी ठीक किया था. और थर्ड स्लाइड है. अब सबसे पहले आहार पाक पर जाने से पहले एक दो चीजें इम्पोर्टेंट हैं जो आहार से ही रिलेटेड हैं, बट उनको मोस्टली इग्नोर कर देते हैं हम. तो सबसे पहले एक थोड़ी देर उसके ऊपर करेंगे. एक तो आहार खुद ही बहुत जरूरी है, इसलिए उसके पचन से पहले आहार के ऊपर एक तो थोड़ा सा पता होना चाहिए कि आहार से रिलेटेड क्या कंडीशन है, क्योंकि आहार की बहुत इंपॉर्टेंस है. जैसे प्राणी नाम पुनर्मूलम आहारो बलवर्ण औषधम से, तो प्राणियों का जो मूल है वो आहार है और बल वर्ग और खोज वो भी आहार के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है. और पुनः मूल मतलब अन्य मूल भी है, इसलिए आहार की इंपॉर्टेंस बताने के लिए यह डिफरेंशिएशन है. उसी के साथ नेक्स्ट है प्राणा प्राण ब्रीताम. प्राण ब्रीत मतलब जो लिविंग बींग्स है, लिविंग बींग्स का जो प्राण है वो अन्न है. वो अन्नम लोको अभी धावती, और लोग जो है अन्न की तरफ, लोक जो है वो अन्न की तरफ जाता है, ठीक है. या फिर यहाँ पर अभी धावती प्रार्थना करने से भी है, तो अभी धावती लोग जो है वो अन्न की प्रार्थना करता है, लोक भगवान राइट. और जो आहार है वही पुष्टि का बल मेदा. मेदा जो है हमारी धारणवती जो बुद्धि है जो धारण करने में काम आती, सब अन्न के ऊपर ही. इसी तरह से आहार संभव वस्तु रोग आहार संभव. तो ये सूत्र है बहुत अच्छा. इसमें जो है वस्तु जो शब्द है वो देह के लिए आया है. तो आहार संभव वस्तु मतलब जो देह है वो आहार से ही संभव होती है. यानी कि आहार यहाँ पर हेतु बताया, हेतु है, कारण है किसका, देह का, कौन, आहार. और रोग से आहार संभव, और रोग भी आहार से ही होते हैं. यानी के आहार देह का भी हेतु है और आहार रोग का भी हेतु है. और कैसे होगा कि हित अहित विशेषज्ञ, अगर हित आहार है तो वो देह का हेतु बनता है, और अगर अहित आहार है तो वो रोग का हेतु बनता है. और इसलिए रोग होंगे सुख होगा, अगर सही रहेगा तो सुख होगा. नेक्स्ट स्लाइड आगे. अब आहार जो है वो करना कैसे सही. एक तो यह है कि जीर्ण हितम हितम से आद्यात आद्यात, यहाँ पर आद्य शब्द जो है वो खाने के लिए है. तो खाना चाहिए कैसा, सबसे पहले तो जीर्ण खाना चाहिए. जीर्ण खाना चाहिए मतलब जो पिछला खाया है वो पच जाए, उसके बाद जो है नेक्स्ट खाना चाहिए. तभी सबसे पहली इंपॉर्टेंस जीर्ण की है. उसके बाद जीर्ण जैसे लिखा है सम्यक परिणत पूर्व आहार है, जो पिछला आहार है वो पूर्ण सम्यक रूप से परिणत हो जाए तब आद्यात. आद्यात मतलब पुंजीत खाना. और उसके बाद कैसा खाना चाहिए, हितम खाना चाहिए. हितम मतलब पथ्यम खाना चाहिए. पथ्य जो है
वही लेना है, उसके बाद और हित भी है और दिल भी हो गया है तो भी कैसा खाना चाहिए, पेट में सांस में नहीं, नीतम आत्यात ठीक है, तो जीर्ण आत्यात, हितम आत्यात, नीतम, नीतम मतलब मात्र या आत्यात मात्रा में खाना, क्यों, क्योंकि अगर पथ्य भी होगा और वो अति मात्रा में खाएंगे या फिर एकदम हीन मात्रा में खा देंगे तो भी वो खाने पर दोषाय त्याग, दोषों को करता है, इसलिए हितम, इसलिए नीतम मात्रा में ही खाना है। और तरक्की ऐसे कहते हितम जीर्ण नीतम जो अष्ट शुरू आरोग्यम अश्नुते, आरोग्य जो है वो भी इसी से प्राप्त होगा। अब जीर्ण के लक्षण क्या है, जीर्ण कैसे पता चले हमको पिछला जो है आज वो जीर्ण हो चुका है, तो इससे बहुत अच्छे लक्षण है, अस्थान संग्रह में उदार उत्साह वेगो सर्वो यथो उचिता लघुता से सुचाता से जीर्ण आहार से लक्षण, मतलब जीर्ण आहार के क्या लक्षण है, एक तो उद्गार शुद्धि होगी, जो भी हमको बेल्टिंग आती है जो उद्गार आता है वो पिछले आहार की खुशबू वाला या स्मेल वाला या उसके उनके पार्टिकल्स को लेकर नहीं आने वाला होना चाहिए। और ये सबसे सिंपलेस्ट क्राइटेरिया है जो जिसको हम हर दिन सुबह दोपहर शाम पेशेंट को भी बता सकते हैं, खुद भी फॉलो कर सकते हैं कि जब तक उद्गार शुद्धि नहीं हो, थोड़ा सा गर्म पानी पी लिया, एक बार चेक कर लिया कि पिछला खाना डाइजेस्ट हुआ है या नहीं हुआ है, उसके बाद ही अगला जो है खाना है उसके, और उसके पहले भी कई बार एक अष्टांग संग्रह में ऐसा क्यों चाहिए उद्गार शुद्धि, क्योंकि अष्टांग संग्रह में दुष्ट बुभुक्षा का भी एक वर्णन आया, कई बार होता है कि आम बना हुआ है बट वो स्रोत को अवरोध नहीं करता है, कम मात्रा में है तो स्रोत अवरोध नहीं होगा तो भूख लगती है, बट जैसी दुष्टता बुभुक्षा वो असली भूख नहीं, वो क्या करता है फिर वो आम ही बनेगा, इसलिए उद्गार शुद्धि, उद्गार शुद्धि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सिंपलेस्ट क्राइटेरिया है। उसके बाद उत्साह होना चाहिए, सभी काम करने का मन भी लगना चाहिए, अगर पच गया है खाना पिछला खाया हुआ, वेग उत्तर को होना चाहिए तो अगले दिन पता चलेगा कि जो मलमूत्र का वेग है वो उस तरह से प्रॉपरली पास होना चाहिए, यथा उसी को उसी का विशेषण। उसके बाद लघुता शुद्ध पिपाता, शरीर में लघुता आनी चाहिए, शुद्ध पिपाता जो है वो जीर्ण होने पर शुद्ध पिपाता लगनी चाहिए और जीर्ण आदि ही लक्षण, तो इसमें से फिर अपने उद्गार स्थिति ये भी टेस्ट करने के लिए हम यूज कर सकते हैं कि जीर्ण आ रहे हैं या नहीं। अब हित के क्या लक्षण है, हित कैसे पता चलेगा, तो हित का ऐसा है कि यद आहार जातम, जो आहार है वो सम धातु अनुवर्तक, तो सम धातुओं का अनुवर्तन उनको बढ़ाता है, उनकी कॉन्टिन्यूटी को बढ़ाएगा, और विषमान से समीकरोती, विषमान दोषांश से समीकरोती तब समाचत हितम। अब ये जो तो विषम दोषों को सम करने वाली बात है, ये तो किसकी आ गई, बेचक की आ गई, कि जो समन औषध है वो तो बेच करेगी, विषम दोषों को सम करती है, तो आहार जो है ये बेचक ही है, इसीलिए आहार का एक सिनोनिम पथ्य है। तो जो हम पथ्य बोलते हैं कि पथ्य खाना तो पथ्य क्या है, चिकित्सितम व्याधिहरम पथ्यम साधना मोचतम विद्या बेचक नाम, तो पथ्य कुछ नहीं, पथ्य आहार है और आहार जो है वही बेचक है, इसलिए हमको हित खाना है और पथ्य जो है उसको हम लाइट नहीं लेना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड टू, अब इसमें दो चीजें इंपॉर्टेंट है, एक तो मात्रा और अग्नि भी हमने देखा, और दूसरा जो है अग्नि भी बहुत इंपॉर्टेंट, क्यों, क्योंकि ना भोजनीय न कायावीर दिखते थे, अगर खाली पेट रहेंगे अग्नि जो है उसका दीपन या जठर अग्नि जो है उसका दीपन नहीं होता, और ना अति भोजना, ना बहुत ज्यादा खाने से उसका दीपन होता है, जैसे अगर हमने चूल्हे में आग लगाई है और उसमें लकड़ी नहीं डालेंगे तो क्या होगा, वो भी धीरे धीरे अल्प हो जाती है और बंद ही हो जाती है, और ज्यादा ईंधन डाल देंगे इसकी क्षमता नहीं है तो भी क्या होगा, वो भी वो बंद हो जाएगी, इसलिए ना अभोजन के काया की होती है ना अति भोजन के, इसलिए क्या है मात्रा बस जाएगी। उसके बाद अभी एग्जाम्पल ये दिए ये अन्न विधि, और कैसे इसको हम रखेंगे, स्थिर कैसे रखेंगे अग्नि को, स्नेह विधि से और अन्न विधि, स्नेह विधि जैसे श्रीरम एव परम विद्या दुर्बल अन्न, दुर्बल अन्न को दुखी करने के लिए स्नेह से ऐसा कुछ नहीं, लेकिन उसके लिए भी क्राइटेरिया है, उसके लिए भी दुष्यम देशम परम साधन ये पता करना है, उसके बाद की एक और क्राइटेरिया आम नहीं होना चाहिए, विराम होना चाहिए, तब हम स्नेह विधि का प्रयोग करके अंतर अग्नि को स्थिर कर सकते हैं। और अन्न विधि मतलब मात्रा जीर्ण अस्मियात मात्रावध अस्मियात स्नेहयुक्तम अस्मियात, ये जो है ये सारी विधि है, ठीक है ना, तो अन्न विधि का पालन करते हुए कैसी हो जाती है अंतराग्नि बढ़े तिरा, अंतराग्नि जो है स्थिर हो जाती है, कैसी स्थिर हो जाती है, महान तिरा सब प्रदर्शित है, जो संसर्जन क्रम के बाद हम देखते हैं अग्नि वैसी अग्नि अन्न पान को मात्रा युक्त खाने पर भी वैसी स्थिर अग्नि नहीं किया, दैट कैन बी अचीव, ओके। उसके बाद क्या है अवैषम्य धातु नाम अग्नि अग्निवृत्त हो गया, ठीक है, अवैषम्य धातु मतलब धातु साम्य, अगर अवैषम्य है तो धातु साम्य है, तो धातु साम्य को अचीव करते हुए हमको अग्निवृत्ति के चाहिए,
करनी है, ऐसा करना है, ऐसा नहीं है ट्राई करते रहे और धातु समावस्था में नहीं रहे, अग्नि हो रहे और धातु के, ऐसा नहीं, साम्यावस्था में धातुओं को लाने की ट्राई करते हुए अग्निवृत्ति की कोशिश करेंगे तो उससे क्या होगा, और क्या करेगी आरोग्य पुष्टि आयु बल वृद्धि भी वृद्धि है, इसलिए मात्रा क्या होना चाहिए, मात्रा अधिक मात्रा युक्त खाना ही खाना चाहिए, तो आहार मात्रा पुनः अग्नि बना देती है और आहार मात्रा जो है अग्नि पे डिपेंडेंट है, तो अग्नि आहार से ही प्रज्वलित होगी और आहार जो है वो अग्नि बल की अपेक्षा करेगा, तो बोथ आर इंटर रिलेटेड, दोनों और दोनों के बीच बहुत गहरा संबंध है, तो पुनः अग्नि बल आप देखते हैं ऐसा है। उसके बाद मात्रा कैसी होनी चाहिए, जो अनपायी प्रमाण, जो कोई प्रॉब्लम कॉज नहीं करे, ऐसा अग्नि और अग्नि का बल कैसा होगा, अग्नि का बल उत्कृष्ट बल भी हो सकता है, जैसे हमने देखा मान या सर्वप्रदस्त जो अग्नि की बात की है वो हम अचीव कर सकते हैं बिना संपर्क, ऐसा नहीं शोधन वाले के बाद ही उसको अचीव करना है, इट कैन बी अचीव बाय एवरीवन ऑफ अस, बट उसके लिए मात्रा की क्या सब विधि पालन करना पड़ेगा। उसके बाद में उत्कृष्ट बल वाली अग्नि, उसके बाद मध्यम की अग्नि होती है जो थोड़ा अपचार सहन कर सकती है, जैसे हम डेली मात्रा रोज जो मात्रा खाते हैं आहार की, उससे अगर थोड़ा सा ज्यादा खा लिया प्लस माइनस हो गया तो उसको सहन कर लेगी, तो कोई प्रॉब्लम कॉज नहीं करती। उसके बाद समाग्नि, समाग्नि जो है अपचार असह है, डेली हम जो मात्रा का आहार खाते हैं तो हमारा जो है सब ठीक सुचारू रूप से काम करता रहता है, लेकिन एक ही जाके कुछ गोलगप्पे खा लिए या कुछ भी एडिशनल खा लिया उस मात्रा से ज्यादा, तो वो उपचार को सहन नहीं करती है, एक दो दिन गड़बड़ रहती है, पेट में गड़बड़ रहती है, ठीक है, तो लक्षण समाग्नि, ठीक है। तो अब इसने एक और चीज है, तत्काल भवम अग्निस्तम, तो अग्निबल कैसे देते, प्रत्येक व्यक्ति में अग्निबल सुबह से लेकर रात तक शाम तक, वैसे तो प्रातः और नए दो का भी भोजन करना है बट रात तक खाते हैं आप, तो सुबह से लेकर शाम तक अग्निबल बहुत बार चेंज होता है, हमको हर उस समय का अग्निबल चेक करते ही मात्रा निर्धारण कर, उसके बाद स्वयं के ड्यूटी पर मात्रा की मतलब बालक की मात्रा अलग है, मध्य वयु काले की मात्रा अलग है, वयोवृद्धि की मात्रा अलग है, तो वय के काल के बीच पर मात्रा होती है, तो काल हेमंत ऋतु जिसके ऋतु में मात्रा ज्यादा होगी भूख ज्यादा लग सकती है, ग्रीष्म और वर्षा में जो है मात्रा अभी होता है थोड़ा सा काल प्रभाव से, तो उसकी वहां भी मात्रा कम लगती है, तो उस प्रकार से काल भेद से वय भेद से और प्रत्येक दिन सुबह से शाम तक अग्नि का समीक्षा हमको करनी चाहिए। उसके बात कह रहे हैं, इसीलिए कहते हैं मात्रा की सर्वकालम क्या, हमेशा सर्वकाल, सर्वकाल मतलब स्वस्थ भी और आतुर भी दोनों को मात्रा ही देखनी चाहिए, और मात्रा जो है अग्नि से प्रवर्तन करती है, इसलिए मात्रा जो है ना अति अग्नि से, ना अति ईंधन से कायाग्नि का चीतन होता है, ना अल्प ईंधन, इसलिए मात्रा अग्नि के प्रवर्तन करती है, इसलिए सर्वकालम क्या, और मात्रा तो क्या नहीं अपेक्षा कोई गुरु नहीं अपनी लघु नहीं अपनी, तो मात्रा जो है गुरु और लघु लघु की भी अपेक्षा करती है, अगर गुरु द्रव्य है तो वो हमने अन्न को पुट्ठी पे दो अंश में भरना है और पान जो है उसको पुट्ठी से एक अंश में, तो पुट्ठी को अगर हम चार पार्ट में डिवाइड करेंगे तो उस चार पार्ट में से दो जो है वो सॉलिड फूड के लिए रखना है और बाकी जो दो बचे उसमें से एक जो है वो लिक्विड फूड के लिए रखना है और जो फोर्थ है वो पवन आदि का मतलब देशों के विवाद के लिए इनके संचरण के लिए भी रखना है, सो दैट जो भी मिक्सिंग होगी फूड की फर्दर डाइजेशन करने के लिए वो इजीली हो पाए, ठीक है ना। तो ये तीन परिमाण से भी ले सकते हैं प्रतीत रूप दोनों तरीके से हम इसको चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अचना अचितम जो खाया है अनुपहत्य प्रकृति, प्रकृति यहाँ पर ऐसा नहीं वास्तविक तत्व वाली प्रकृति, प्रकृति क्या है, प्रकृति वातादिनाम रसादिनाम जो साम्यावस्था, तो वातादि दोषों की और रसादि धातुओं की जो साम्यावस्था है उसको अनुपहत्य, अनुपहत्य मतलब विकार अतृत्वा, उनमें कोई प्रॉब्लम कॉज नहीं करती है, यथाकालम जरांत वो ऐसा ना करते हुए प्रकृति को अनुपहत ना करते हुए, उसमें प्रॉब्लम ना करते हुए यथाकालम विराम गति यथाकाल एडजस्ट हो जाता है, दिशा से लिखा है ना, यथाकालम दिशा से
निशातीत में मतलब यहाँ पर ब्रह्म मुहूर्त में उठते थे पुराने टाइम में ना, तो इसलिए लिखा है निशातीत थे। ब्रह्म मुहूर्त में पूरे होते थे 1.5 घंटा पहले जब उठेंगे, तो तब तक ये यथाकालम विराम व्यक्त हो जाना चाहिए। बट आजकल हम थोड़ा 8-9 बजे उठे एकदम सोते लेट है, तो उस समय के हिसाब से यथाकालम विराम व्यक्ति देखना ठीक है ना। तो सावधि यथे मात्रा प्रमाणम वेदी कर, तो वो उसका मात्रा प्रमाण जो है समझ सकते हैं ठीक है ना। तो जिस तो ये हर एक व्यक्ति के लिए यूनिफॉर्म मात्रा नहीं है, यूनिवर्सल मात्रा नहीं है, व्यक्ति को मात्रा निर्विकार हर एक व्यक्ति के लिए जो निर्विकार मात्रा है, जो उसको कोई प्रॉब्लम कॉज ना करे, वो उसकी प्रति पुरुषम अग्निबल से भिन्न, हर व्यक्ति में अग्निबल का अग्निबल भिन्न होने से उसकी मात्रा भी भिन्न होगी। और बाकी पीछे हमने देखा अभी जो सुबह से लेकर शाम तक हर कम मात्रा तक जो है हमको क्या करना है, निरीक्षण करना, न से न अपेक्षित द्रव्यम। अब मतलब अपेक्षित द्रव्यम इसका अर्थ है दो नकार लगे हैं तो इसकी कम पॉजिटिव ठीक है ना। तो द्रव्य की भी अपेक्षा करती है ठीक है, तो द्रव्य की अपेक्षा करते इसीलिए त्रिभाग को इसका गुरुणा जो गुरु है उनका त्रिभाग को इससे रोहित पे मतलब तृप्ति। जब भी हम खाना खाते हैं तो खाना खाते एक हल्की सी फीलिंग आती है हमको ना कि अब भर गया है पेट थोड़ा सा ठीक है ना, तो वो रोहित है वो तृप्ति है। लेकिन हम क्या करते हैं उसका अतिक्रमण करते हैं, हम उससे भी ऊपर जाने देते हैं, या तो खाना टेस्टी होगा या फिर क्या पता शाम को बिजी रहे नहीं खाए ऐसा भी मन में आता ठीक है ना। बट आगे देखेंगे हम उसको वो क्या कॉज कर अगर हम करेंगे, इसीलिए रोहित से मतलब तृप्ति मात्र ठीक है ना। फिर गुरु जो पदार्थ है जो हमारे डेली के खाने में गुरु पदार्थ है उसको तो रोहित से तक जाना ही नहीं है, उसका अर्थ तो इसे वो आगे में करना है। तो बाकी में लघु ऐड कर सकते हैं आपको, तो लघु ना माफी से ना अति सोहित्या, ना अति सोहित्या मतलब अर्थ सोहित्या थोड़ा सोहित से कर सकते हैं आप ठीक है। तो खाते खाते पेट में हल्का सा लगा के आँख भर गया तो थोड़ा सा ऊपर भी खा लिया तो लघु में चलता है ठीक है। अग्नि युक्ति अर्थम अग्नि की युक्ति के लिए ये रूल एक और क्राइटेरिया ठीक है, अर्थ सोहित्यम और ना अति सोहित्यम। नेक्स्ट लघु जो है उसको क्यों ये पार्श्व देती क्यों है कि गुरु को अर्थ थोड़ी से लो और लघु को हम थोड़ा सा थोड़ी से कर सकते हैं ऐसा क्यों है? क्योंकि लघु जो है वो वायु अग्नि आकाश महाभूत प्रदान करने वाले होते हैं। इन पंच महाभूतों से क्या होता है स्वभावान स्वभावानी अग्नि संदूक स्वभावानी और अल्प दोषानी से उठ सकते, तो ये क्या करते हैं ठीक से उपयुक्त होने पर लघु द्रव्य जो है लघु मतलब ऐसा नहीं वेट में लाइट है और गुरु मतलब वेट में गुरु है, जो जठर अग्नि के संपर्क आने पर देर से बचे टाइम ले बचने के लिए वो गुरु है, जो जठर अग्नि के संपर्क में आने पर जल्दी बच जाए वो लघु है, ये यहाँ लेना है। तो लघुनी हमें अग्नि संदूषण स्वभाव की होती है बिकॉज ऑफ दिस महाभूतिक प्रभाव और अल्प दोषी कर ठीक है, तो इसके उपयुक्त खाने पर भी ऐसा बता। उसके बाद गुरु ने जो है अब क्या बचा वो पृथ्वी और जब महाभूत प्रदान, तो वो क्या अग्नि संदूषण स्वभाव और इसके अपोजिट होने पर या फिर इसके जैसे असामान्य होने पर वो क्या करते अग्नि को संदूषण नहीं करते, अग्नि को नहीं बढ़ाते और क्या करते और रोहित से उपयुक्त होने पर बहुत ज्यादा दोषों को बढ़ाते हैं। इसलिए हमको गुरु अर्थ रोहित से में ही खाना है, क्योंकि आज का नाम अतिक्रमण करते ही है ना। फिर आगे है एक्सेप्शन दे रहे हैं तो अन्यत्र अन्यत्र व्यायाम अग्नि पदार्थ ठीक है ना। तो व्यायाम जो करते हैं वो थोड़ा सा अगर गुरु का अर्ध मात्रा की जगह ज्यादा भी खा लें थोड़ा सा तो उससे भी हो जाए तो भी उनको उतना प्रॉब्लम नहीं होती, वहां पर अल्प दोषानी से उपयुक्त हो जाता है। क्यों? क्योंकि दोष क्षय अग्निवृत्ति से व्यायाम जाए व्यायाम के दोष क्षय और अग्निवृत्ति होती है ऐसा है ठीक है। और व्यायाम अहित बलो बंदी विश्राम बलवान तो होती है, और व्यायाम से अहित होने पर जो अग्नि है वो बहुत विश्राम मतलब टॉप लेवल की बलवान उसमें प्रखर आती है। जब ऐसा नहीं दिन भर व्यायाम करते रहो वो फिर अग्निमान को करेगा, टाइमली करना है और जो व्यायाम की भी मात्रा है जैसे जनरल स्कूल के व्यायाम मात्र या समाज करे वो मात्रा से ही लेंगे तभी वो ये हमको फल दे पाएगा नहीं तो नहीं। आगे भी अस्थान चंद्र ने वही अस्थान विजय ने वही कहा गुरु नाम अर्थ को एकदम लगना ना आती है ना। तो जावत सुखम जो सुख पूर्वक ये सब जो लिखा है क्या नहीं होता क्यों नहीं होता? तो आचार्य कहते हैं न केवलम मात्रा वदा देव आहार, सिर्फ मात्रा वदा आहार करने से ही आहार करने का जो पूरा पद है नहीं मिलेगा। तो कैसे मिलेगा?
अष्टविध आहार विशेष के जो आयतनामी है उनको भी फॉलो करना है, उनको फॉलो करते हुए प्लस जो आहार विधि के 12 रूल है उनको भी फॉलो करते हुए जो आहार हितमित और जीर्ण किया जाता है वो ही पूरे के पूरे पद को देने वाला होता है, ऐसा ठीक है। तो ये हमको सारे क्राइटेरिया विमान चक्र में भी है इसके बारे में अष्टविधार और जो रूल है, तो इसके तरह की हर एक अष्टविध आहार विशेष आयतन से हर एक आयतन का अपना पद है और हर एक आयतन आपस में इंटरलिंक है। तो यानी ये ऐसा नहीं है आप सिर्फ पृथ्वीकरण प्रयोग नियमों का पालन करेंगे, उपयोग क्षमता उपयोग नियमों का पालन नहीं करोगे तो उसके पूरा सफल नहीं मिलेगा। ऑल रूल्स हैव टू बी फॉलोड टुगेदरली बिकॉज दे आर इंटरलिंक्ड, उनके एक के बाद दूसरे बाद एक के बाद फॉलो करने पर ही पूरा का पूरा पद मिलेगा। और उसके आगे क्या है, और ऐसा भी नहीं आप सिर्फ आहार मात्रा ये पिष्ट वर्ण गंध रस स्पर्श वाला होना चाहिए, पसंद भी होना चाहिए, क्योंकि इंद्रियों का पोषण भी करेगा आहार। इंद्रियों का पोषण कैसे करेगा, इष्ट वर्ण से इष्ट गंध से इष्ट रस स्पर्श से, इष्ट गंध आने से अच्छा लगता है तो बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, बस शॉप के आगे से निकलो तो मन प्रसन्न होता है, ठीक है ना। तो ये इंद्रियों का नरिशमेंट ठीक होता है जिस तरह इसके, और दुधि विहित अन्न पान इष्ट वर्ण रस गंध के साथ दुधि विहित के साथ जो है अन्नपान उस अन्नपान को प्राणी नाम प्राणी संज्ञा नाम प्राण मात्र पिछला इस प्रकार से किए गए अन्नपान को जो कुशल है, कुशल कौन होता है अक्सर आयुर्वेद में वर्ड मिलता है कुशला चिंतका, तो दीज आर द एक्सपर्ट ऑन दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट, ये न्यूट्रिशन एक्सपर्ट है जो कुशला है। तो इन लोगों ने इस वर्ण गंध के रस स्पर्श विधि विहित अन्नपान को है इस प्रकार से किया गया, जो अन्नपान है वो प्राणी संज्ञक जो है जो मतलब लिविंग ह्यूमन जो है वो उन प्राणियों का प्राण है इस तरह से कहा गया, ठीक है। तो इसलिए इसके आगे प्रत्यक्ष फल दर्शनाथ कहते हैं, प्रत्यक्ष फल देखा है उन्होंने इसका, तो इसीलिए दरअसल कहते हैं इदम से नहा प्रत्यक्षम, नहा मतलब हमारा इदम ये प्रत्यक्ष है, तो ये तो हमारा प्रत्यक्ष है, विषयों का प्रत्यक्ष है ये जो किया गया और इसको हम भी प्रत्यक्ष कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि लिखा है तो हमको पता नहीं आज क्या करना है। इदम से नहा प्रत्यक्षम ये दृढ़ प्रतिज्ञा है, और अगर उनका प्रत्यक्ष है कैन बी प्रत्यक्ष, तो इसलिए आगे क्या है त्रिविधम गुप्तों आप ये तरफ ये त्रिविध गुप्तों की बात की है वो एक और कृष्ण भी यही कहा है कि एक जो है मूर्ताहार विहार से एक द्रव से और एक वास्तविक चेष्मा के लिए छोड़ देना, अपार का ऐसा है कि वास्तविक चेष्मा के लिए छोड़ना है, एक तो वहां पर जो मूवमेंट होगी अन्न ताकि वो फर्दर डाइजेशन के लिए रेडी रह सके उसके लिए भी खाली थोड़ी सी जरूरत चाहिए, एकदम आसन से भर लेंगे। अब सपोज एक बॉटल है पानी की बॉटल, आपने एक बॉटल ली उसको पूरा ऊपर का कर लिया, बॉटल का जो ढक्कन है उसका कर दिया क्योंकि ना स्मूथ है, अगर उसको हिलाओगे भी तो वो मूव नहीं करता, उसी बॉटल को आधा भरो है ना, तो उसके अंदर अगर हम थोड़ा सा कुछ और चीज भी डाल दें, डाई डाल दें या कोई कलर डाल दें तो इट कैन बी इजीली मूव एंड इट कैन बी इजीली मिक्स है ना, तो इसीलिए इसको तीन बार देखना चाहिए। जो थर्ड पार्ट है जो कुछ को तीन भाग में डिवाइड किया, सिर्फ ने तीन भाग में किया वापस चार में डिवाइड करता है, तो तीन में डिवाइड करके एक मूर्त के लिए एक द्रव के लिए एक वातन के लिए वातावरण दोषों के लिए खाली सोना, तो दैट इट कैन बी इसके लिए मिक्स, ऐसा कर आहार खाने पर कुछ का अपीड़न होना ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर मतलब पार्टी में गए इतना खा लिया के फिर सीधे बैठा भी नहीं, आगे की तरफ दुखा तक नहीं जाता, ऐसा भी खाते हैं तो आगे दुख से ज्यादा लगता है कि खाना बाहर ही आ जाए, पीछे की तरफ एकदम स्ट्रेस होकर बैठना पड़ता है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए आगे, ठीक है। अब खरीदे से अनबर होता है, डाय भी पूरा खुश हो जाता है और सांस पीने को भी नहीं होता है, वो भी नहीं करना चाहिए। पांच की ओर अब पातना फ्लैंक्स जो साइटें हैं उधर की वो भी एकदम टाइट कस जाती है, अन्न की ओर वम उधर इस चीजें वेरी ये जो पहले डिस्टर्ब थे वेरी वेरी सिंपल क्राइटेरिया है, इसको हम एकदम चेक कर सकते हैं कि अनति गौरव कुदरत है, अनति मतलब ज्यादा नहीं होना चाहिए, गौरव कुदरत से ये अपेक्षित गया, ठीक है। तो थोड़ा सा अगर उधर में गौरव आता है दैट इज द टाइम पीरियड वेयर यू शुड स्टॉप कि हाँ अब हो चुका है ना, ठीक है। सिंगनम इंद्रिया नाम इंद्रियों का इष्ट वर्ण रथ बनिए देखा हमने शुद्ध कृपाता उपरमाह अभ्यास भी शांत हो जाए, भूख भी शांत हो जाए, उसके बाद स्थान आसन चयन गमन उच्छ्वास
खान मतलब बैठने में सुखानु वृत्ति हो, बैठ ही नहीं पाएंगे, रुक भी नहीं पाएंगे, तो फिर मतलब खाना आती है। आजकल चयन बैठने में भी दिक्कत हो रही है, आसन में बैठने में भी, गमन चलना भी नहीं जा रहा, श्वास प्रश्वास इतना डायफ्राम कुछ से बोल चुका है तो सांस भी नहीं ले जा रहे, ठीक है ना, हाथ से आंख भी नहीं सकते, बात भी नहीं कर पा रहे हैं कि अब तो मतलब एकदम रह सही एकदम बैठ ही जाएंगे, थोड़ा खाना निकाल दें बाहर, ऐसा फील भी आता है। तो सुखानुवृत्ति इन सब को करने में सुखानुवृत्ति होनी चाहिए, ये सब नॉर्मली खाना खाने के बाद भी नॉर्मल जैसे होनी चाहिए, तब हम बोलेंगे तो ये क्या है मात्रा का है, सायं प्रातः को चुके है ना परिणाम, और सुबह का खाया हुआ शाम को पचते है और शाम को खाया हुआ अगले दिन पचते है, पर बल वर्ण उठते ये थोड़ा देर से दिखता है कालांतर में, उसी टाइम नहीं दिखेगा पर कालांतर में दिखेगा, फिर ये मात्रावत लक्षण है, तो ये जरूरी है बहुत जरूरी। अब मात्रावत है तो अमात्रा भी होगी, ठीक है, तो अमात्रा हीन और अभी दो प्रकार की है, हीन मात्रा के भी लक्षण है मात्रा, दो साल के बाद हो गया था नहीं आशु प्रकोपियन थोड़ा से ही क्विकली तीनों दोषों को प्रकोपित करता है, इसलिए क्या है और फिर एक और कंडीशन मानसिक भाव भी जरूरी है, इसलिए कहा है रात को अगर जागे हैं तो खाना नहीं होगा, जीवन जो आप मात्रया और पथ्य ही खा रहे हैं और चिंता शोक ये सब तो क्या ये तो प्रेशर है, प्रेशर की जितने भी चीजें हैं ये सिंपैथेटिक सिस्टम को एक्टिवेट कर देते, ठीक है ना, सिंपैथेटिक एक्टिवेट होने से जो भी ब्लड सप्लाई है हमारे किसी भी इंटरनल ऑर्गन को नहीं जाएगा और नहीं जाएगा ब्लड सप्लाई को क्या होगा, ब्लड सप्लाई जो आजकल सबसे बड़ा प्रेशर ही मानसिक चिंतन ही है, मैक्सिमम प्रेशर, ठीक है ना, तो मन उपघात के प्रभाव से अन्न जो है वो दूषण हो जाता है, इसीलिए और अशुचि अन्न हो मतलब जैसे जिसे फैट स्मेलिंग हो या इस तरह से तो भी क्या होता है विश्ववर्ण गंध स्पर्श नहीं होगा, ठीक है, तो उससे भी मन उपघात को मन का उपघात होने से भी ये सब मानसिक भाव है, इसलिए क्या है मन भी उस अन्न के प्रति व्यवहारित होना चाहिए, उसमें विसर्त होना चाहिए आहार में, तभी ये टोटल कंप्लीट कहा जाएगा जब मात्र या किचन का अन्न। अब थोड़ा अग्नि को देखेंगे, अब अग्नि के बारे में तो जान प्रभा ये सब अग्नि के हैं, डिपेंडेंट हो जाते जो अपना प्राण सोखता अग्नि हेतु का, अब प्राण जो है वो उनका जो हेतु है वो भी क्या है देह की अग्नि जो है, प्राण जो है देह अग्नि उनका हेतु है, इसीलिए क्या कहा था कि अन्न को भी प्राणी नाम प्राण आसक्त कुशला, इसीलिए अन्न को प्राणियों का प्राण कहा है क्योंकि अन्न से अग्नि की स्थिति रहती है, अग्नि की स्थिति रहती है और अग्नि की स्थिति होने से आरोग्य रहता है और जीवन की स्थिति बनी रहती है, इसीलिए अन्न जो है प्राण है और अग्नि भी प्राण है, ऐसा अगर क्या है शांति अग्नो और अग्नि अगर खास हो जाती है तो कैसी हो जाती है कोई भी मेटाबॉलिक कुछ भी नहीं होगा, युक्त जीवन जीवती नाम आया बिना डिजीज के, अगर अग्नि युक्त रहती है तो बिना डिजीज के देर तक चलता है, उसके बाद जीवन चलता है, उसके बाद रोग भी त्याग विकृत है, अगर विकृत हो तो रोग भी हो जाएगा, मूल जो है अग्नि जो है जीवन का मूल ही है। नेक्स्ट लाइक अब ऐसा क्यों है, ऐसा इसलिए यह दंडम देह धातु जो बलवर्ण आदि पोषक तत्व अग्नि हेतु आहार ना ही अपवाद रखा गया, अब जो अन्न इस अन्न को हम देह धातु जो बलवर्ण आदि पोषक कहते हैं उसका हेतु अग्नि ही है, वो अन्न हेतु अग्नि पर ही डिपेंडेंट है, अगर अग्नि सही नहीं है हम कितना मर्जी न्यूट्रिशनल फूड मिले कुछ नहीं होगा, बलवर्ण आदि पोषण होगा ही नहीं, है ना, तो इसलिए हमको जैसे मॉडर्न में अग्नि का संपर्क नहीं है तो अगर कोई बीमार है तो थोड़ा खा लो खाना चाहिए, क्यों खाना चाहिए खाएंगे तो लड़ने की क्षमता आएगी, लेकिन लड़ने की क्षमता तो आएगी जब अग्नि नहीं है तो वो खाना तो और आपको कमाएगा वैसे ही पड़ा रहेगा, क्यों अगली लाइन जो है आहार न भी अपवाद रखा गया, तो इसका जो है वक्त योजना ऐसे बनेगी जो रहने के लिए न भी अपवाद आहार रखा गया भवंती या फिर अपवाद आहार रखा गया न भवंती, ठीक है, इसलिए यानी कि
अपक्वात आहार रसादय या न भवन्ति, तो आहार को पक्व करने के लिए संपूर्ण रूप से पकाने के लिए अग्नि की जो है प्रस्तुत होना बहुत जरूरी है। अपक्व आहार कब होगा? जब अग्नि निकलती रहेगी। इसका अपविदर्श्य निकलता है कि सम्यक पक्व आहार रसादय या भवन्ति, अगर अपक्व आहार के रसादी नहीं होते तो सम्यक पक्व आहार के रसादय या भवन्ति। इसलिए सम्यक पक्व होने के लिए अग्नि का प्रस्तुत होना जरूरी है। उत्तम धातु फॉर्मेशन, अग्नि अगर आहार का सम्यक पाक करेगी पचन करेगी, पचन मतलब डाइजेशन, पकाना ऐसा नहीं, स्पर्श धातु से बना मतलब पकाना, कुके ऐसा आता है, ठीक है ना। तो अगर कुकिंग अच्छी है तो इट विल ऑटोमेटिकली डू ऑल द गुड थिंग, राइट। इसीलिए स्पर्श धातु टू कुक के अर्थ में, कुक करना पकाने के अर्थ में। तो उत्तम धातु फॉर्मेशन यानी कि उत्तम धातु सार फॉर्मेशन के लिए धातु सार अच्छा कब बनेगा? अगर अग्नि मान शिरा तब वो प्रशस्त सही हो, है ना। तो वो टाइप की अग्नि अगर हमने अचीव की है देन ऑन उत्तम कारक धातु के रूप में, है ना। तो जो भी अन्न देह धातु आदि का पोषक कहा जाता है उसका हेतु भी अग्नि है, अकेला अन्न हेतु नहीं है। तो वो था इंटर रिलेटेड, क्यों कब अपवाद आहार या बता दया ना तो नेक्स्ट लेक्चर और अपनी ऊष्मा से धातु ऊष्मा से जो अपने अपने बल प्राप्त कर चुकी है उनसे ही प्रकृत रहती है। इसीलिए अन्न पान ईंधन ही अग्नि ज्वलन, अन्न पान ईंधन से ही अग्नि जो है वो ज्वलन में रहती है, नहीं तो वो कम हो जाता है। इसमें पाचक पित्त का भी थोड़ा सा आ ही जाता है। तो पाचक पित्त में भी अदृश्य के हेतु के पकवा माध्यम मध्यम पित्त जो है चतुर्विध अन्न पान से जो है वो पचन करता है और पित्त उसको सेपरेट करता है। एक ढोल से रोटी मूत्र पूरी से इसमें क्या करेगा, वो विवेचन करेगा, सेपरेट करेगा। और कैसे? अदृश्य हेतु के। अब अदृश्य हेतु के जो है ना ऐसा है कि गर्भ के समय में पिछले स्वभाव के कर्म के और वायु के प्रभाव से जिस प्रकार की हमारी अग्नि बनेगी, जिस प्रकार का बनेगा वो अग्नि है। तो जिस प्रकार की अग्नि बनेगी, प्राकृतिक मंदाग्नि भी हो सकती है बचपन से, प्राकृतिक समाज भी हो सकती है, प्राकृतिक विषमाग्नि भी हो सकती है, प्राकृतिक कृष्णाग्नि। तो ये अतिरिक्त हेतु के अंत होता है। प्रत्येक व्यक्ति में वाताभिभूत पोष्ट होने से विषमाग्नि हो जाएगी अगर गर्भ से हो रहा, ठीक है ना। तो ये अतिरिक्त हेतु के अंत, जिस और उससे क्या होगा, गुणों में द्रव गुण आता है। बट पाचक पित्त को जब अनल कहा जाएगा तब उसको दृष्ट होना पड़ेगा, जब द्रव गुण को छोड़ देगा तब क्या होगा, वातादिक कर्म करने से तो अनल चतुर्थम, तब उसको हम अग्नि कहते हैं, है ना। तो उसके और जो अग्नि है वो इस प्रकार की शक्ति शक्ति क्या करेगी, सब कुछ अन्न विभजन बेकार को विभजन करता है, अन्न का पाचन करता है और बाकी पित्तों को भी बल प्रदान। नेक्स्ट लाइफ भी ये मैंने थोड़ा ये कहा था क्योंकि हमको जब भी हम चतुर्विध अग्नि की बात करते तो हमको लगता है कि ये विशेष अग्नि नो डाउट है, ग्रहणीय अध्याय में वर्णन है, बट प्राकृतिक है विमान शांतिक में जहाँ पर वर्णन किया है प्राकृतिक अग्नियों का। तो अग्नि शरीर चतुर्विधो विशेष के न बल भेदेन भव, तो बल भेद के चार प्रकार की प्राकृतिक अग्नियों की बात, बल भेद तो तीक्ष्ण मंद तम और विषम, ये बल भेद के चार प्रकार की अग्नियां हैं और ये चारों के लक्षण भी हैं, इनका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी गुड क्राइटेरिया। तो तीक्ष्ण अग्नि का सर्व उपचार था, कुछ भी खा दो, ठीक है, सुबह खाया पेट भर के खा दिया वो भी पक जाएगा, दोपहर को फिर रात को फिर, ठीक है। तो कुछ भी और जो जितना नॉर्मल मात्रा खाते उससे अगर ज्यादा भी खा लिया उस उपचार को भी सहन कर जाती है।
वेरी गुड स्ट्रेंथ, ये जो है लक्षण है प्रकृति के लिए तो मंद मंद क्या है इसके अपोजिट है मतलब अपकार सर्व अवतार कुछ भी नहीं सर्व अवतार तो है ये पर वो प्राकृत तो है मात्रा उसमें से भी हल्का सा ऊपर नीचे हो तो भी उसको जो है सहन नहीं कर पाते तो वो मंद है। अब सम क्या है सदु अपचार तो विक्रिम आप विक्रिम आप अनपचार तो प्रकृत अवशिष्ट तो सम क्या है सामग्री क्या है सामग्री का लक्षण है ये अनपचार अगर हम जितनी मात्रा का अभ्यस्त है हर व्यक्ति को अपनी मात्रा पता होती वो अपनी अग्नि के हिसाब से जो मात्रा देता है आंधी उसको खाते रहने पर उसका कोई इश्यू नहीं आता है सब नॉर्मल कार्य चलता है लेकिन उस मात्रा से अपचार को विकृति माप कहते और अगर थोड़ा सा भी किसी दिन एक दो गिलास या मुन तीन गिलास खा लिया या कोई भी थोड़ा सा भी एक भी टाइम एक्स्ट्रा कर लिया तो वो उसको सहन नहीं करती वो समान है या फिर समाधि और हमको क्या लगता है कि समाधि मतलब कुछ भी खाते जाओ तो उसका कम रहना चाहिए ऐसा नहीं सामग्री अपचार को सहन नहीं करती है और अनपचार को सहन कर अनपचार को प्रकृति में रहती है और कम लक्षण के विपरीत जो है वो विषम है यानी कि कभी विषम जो है वो अनपचार से विकृति भी हो जाती है कभी कभी अपचार से नॉर्मल भी रहती है पता लेती है उसको ठीक है तो ये सम के ऑपोजिट लक्षण जो है ये विषम आते तो एक चतुर्विधा भवंती अपने चतुर्विधा नाम है पुरुषान नाम चतुर्विध पुरुषों में जो चतुर्विध प्रकृति है वातल पित्तल ग्रीष्मल और चमदो इन चतुर्विध पुरुषों में ये जन्म से अगर वाताभिभूत होगा तो विषमाग्नि होगी गर्भ अगर पित्ताभिभूत होगा तो पित्तनाग्नि होगी और अगर कफाभिभूत कोष रहेगा तो मंदाग्नि और चमदोषाभिभूत होगा तो ये हमको देखना है। खाने पर क्या होता है अजीर्ण ही भुंजा नक्ल सर्वान दोषण प्रकोप लेते तो अजीर्ण खाने पर क्या होगा सर्व दोषों का प्रकोप होगा जल्दी और जीर्ण तो भूल जाना चाहिए तो स्थानीय भूखा आ जाएगी श्रोतक ओपन हो जाएंगे हृदय में कोई पीड़न नहीं होगा वात जो है अपने नॉर्मल फंक्शन नहीं कर पाएंगे और सभी शरीर जातियों का जो है वर्जन होगा तब तक जीर्णे आती है तो फाइनल वर्जित की है और मात्रा वर्जित नहीं आती और कितने क्रेड का क्राइटेरिया है किसी व्यक्ति का क्राइटेरिया तो कम से कम अनु कर लेगी मतलब जो अगले दिन रेप्लिकेशन प्रोसेस होती है That also occurs without any problem. ठीक है वेग आना चाहिए और वेग आने पर उसका जोर नहीं लगना चाहिए जोर मतलब प्रवाहन नहीं करना उसके बिना जो वेग आके क्लियर हो जाता है मास्टर अगर थोड़ा जोर लगाना पड़ता है ठीक ही लगता है पता लगता है कि साफ नहीं हुआ है पेट को दैट अगेन इज मत मात्रा अब ये हमने अगर क्राइटेरिया फॉलो किए देन आहार बात की बात करेंगे तो इसको आहार गति भी कहा है क्योंकि आहार गति करता है एक अवस्था से अगली अवस्था अब क्या हो रहा है अंतर अग्नि संदूषित बल है अंतर अग्नि बल से संदूषित यथास्मीन उष्मणा धात्मा तो सम्य विपत्यमान जो भी हमने चतुर्विध आहार खाया है उसका सम्य विपत्यमान होगा फिर क्या होगा कालवद अनवस्थित सर्व धातु पापम काल के समान अनवस्थित अनवस्थित मतलब इट गोज ऑन कंटिन्यूसली काल डज नॉट स्टॉप अनवस्थित मतलब यहाँ पर कंटिन्यूटी का बोधक तो कालवद कंटिन्यू सर्व धातु का जो सर्व धातु पाक मतलब सर्व धातुओं का जो आहार रूपी है उसका पाक धातु पाक रूप ठीक है ना धातुओं का साक्षात पाक अभी नहीं है तो सर्व धातु का जो आहार रूपी है उसका पाक जो है वहां पर कुटी होती है उससे क्या होगा अगर अच्छा होगा तो अनुपहत सर्व स्रोत धातु ऊष्मा मारुतो स्रोत और सभी धातु उनकी ऊष्मा वायु और स्रोत ये सब क्या रहेंगे विदाउट एनी प्रॉब्लम से अव्याहत गति तो कंटिन्यूस मूवमेंट उनके थ्रू होते रहेगी विदाउट एनी ऑब्स्ट्रक्शन तब वो क्या करते हैं तब केवलम शरीरम उपचय बलवर आदि और तब वो पूरे शरीर को केवलम यहाँ पर संपूर्णता दे सकते तो केवलम शरीरम पूरे पूरे शरीर को बलवर आदि में लगाता है और शरीर धातु और धातु इसीलिए धातुओं ही धातु धातु नित्य क्षीयमान है डेली काम करते हैं डेली एनर्जी के लिए यूटिलाइज हो जाते हैं तो धातुओं ही धातु आहार मतलब धातु रूपी आहार का जो अंश है ठीक है ना अरे जो अतिर और खारिज ये अन्य से जो धातुओं का आहार है
अब आहार पचन में कुछ प्रोसेस इंपॉर्टेंट है, तो एक अन्नवाह प्रोसेस क्या है, आमाशय नाभि स्थानांतरम संतो हो आमा नाभि और स्तनों के बीच में जो एरिया है दैट इज कॉल्ड एज आमाशय। तो ये पता नहीं कहता दिस इज आमाशय का प्रमाण, प्रमाण बताने के लिए आता नहीं कि स्टमक कितना बड़ा है, बट उसमें जो जो अंग आते हैं आमाशय, ठीक है। अब वाम अंग के पार्श्व क्या है, वाम पार्श्व की हड्डी कहते सिर्फ किसी में एक रेफरेंस है वाम आश्रय ही ग्रहणी विशिष्ट ग्रहणी और पितृ वो वाम आश्रय है, इसलिए पार्श्व संपत्ति सुखोपलब्धि पार्श्व में एकल साइड से लेकर पर उनसे सुखोपलब्धि होती है और वाम आश्रय ग्रहणी गुणम दोनों पर चित्रपाणी भी इस पर तेवी चीज अलग रह सकते कि वाम आश्रय जो है ग्रहणी और पितृ है, तो वाम पार्श्व मत लेखन भी होने पर ग्रहणी गुण प्रकृति 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 अपने नेचुरल जो अलाइनमेंट है उसमें आ जाते हैं, इसलिए आमाशय एंड ग्रहणी वो सर्वी मूलक और इसमें अब हम अतिथर कला का भी वर्णन क्या है, सृष्टि चित्रा नाम या चतुर्विधम अन्नपानम चतुर्विध अन्नपान जो है उसको इसमें बेशक भी आए, तो आमाशय या हेलो सर यू आर नॉट ऑडिबल, हेलो। तो दैट प्राणा पोषण नय आहार के उन द्रवों के द्वारा भी तद अन्नम जवेही जो कुछ में पिचित होते हैं, इसीलिए कहा जाता था ना पीछे हम पढ़ रहे थे कि वायु पित्त और कफ के लिए खाली छोड़ देना चाहिए, तो वायु परमाणु रूप में आता है पित्त आल्सो कम परमाणु रूप में स्थित है, तो अग्नि आल्सो देयर, तो वो उन सब सिक्रीशन के लिए भी जगह होनी चाहिए। जो आहार के साथ भी स्नेह लिया था प्लस जो वहां पर भी थोड़ा सा स्नेह है, तो दैट आल्सो सॉफ्टन ऑल दो फूड टाइप कंसिस्टेंट। और क्या होता है समान है ना अवधूतो अग्नि, और समान बात जो वहीं पर है वो अग्नि को अवधूत मतलब संदूक्षण कर समान है ना संदूक्षिता समान है ना अवधूत मतलब अग्नि के साथ अग्नि पात्र उसके तो अग्नि के साथ में ही है, वो समान संदूक्षित करता है अग्नि को पवन और विशेषण है।
होगा, अब ये सब क्राइटेरिया हो गया, फिर क्या होगा, काले भुगतक तमाम सबसे पद्धति हाई होगी। ये अब इस प्रकार का जो अन्न है उसको जब हम साल से खाते हैं, टाइमली खाते हैं, और जो अपने टाइम लेता है ज्वार, ठीक है, तो गुरु नाम अपना पचने का टाइम लेगा और लघु अपना पचने का टाइम लेगा, तो वो काला तो बोल, ठीक है, तो काले भुगतम तमाम सम्यक सम्यक पचन होता है आयु विवृत्ति के लिए। आयु विवृत्ति मतलब चेतनानुवृत्ति, कॉन्टिन्यूटी ऑफ लाइफ, ठीक है, उसके लिए तो जीवन चलता रहता है, न्यूट्रिशन इश्यू रहती है, हम बेबी का काम कर पाए, वो आयु विवृत्ति। कैसे जैसे जैसे फोटो में दिखा रहे ना, जैसे मूंगफली है, मूंगफली के ऊपर वो एक पॉट रखा है छोटा सा ना, तो उसके अंदर क्या है, आग के कोयले डाले हैं, तो ऐसा नहीं है कि अग्नि इसके ऊपर वाली ही चीज पकेगी, हीट तो उसके नीचे जो मूंगफली है उसको भी जा रही है, ठीक है ना। तो ये तो इसीलिए ये एग्जाम्पल दे रहे हैं, एवं रसमलाई अन्नम आदेश का मतलब, ठीक है ना। तो जैसे हमने एक पॉट पतीला लिया, उसमें चावल पानी डालिए और उसके नीचे आग लगा दी, तो ऐसा नहीं सिर्फ ऊपर से ही पॉट पकेगा, उस अग्नि के नीचे का जो वो भी हीट जाता है वहां पर, ठीक है, वो भी इम्पोर्टेंट है ये समझना कि उसके नीचे पॉट के नीचे भी अग्नि का हीट जो हीट है वो जा रहा है, अग्नि तो उर्दू जनित है लेकिन उसका हीट नीचे भी जाता है, वो अवस्था पास में, ठीक है। जैसे गंगाधर में भी एक लाइन लिखना, ठीक है, तो ये इंडिकेट कर वेरियस सिचुएशन बहुत होता है, तो बहुत सारे सिचुएशन का आपको हो रहे हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे सकती है, अब यहाँ पर है अन्न से भुक्त मात्र प्रथम पाक था, जो हमने अन्न खाया है भुक्त मात्र है, अन्न खाने की हमको नित्यम प्रवर का किया था, ऐसा कहा गया था हमारे आचार्यों का आज्ञा है, तो षड रस अभ्यास होना चाहिए। और अगर हमने सपोज षड रस खाया तो उसका क्या होगा, सबसे पहले मधुर आते हो आध्यात, यहाँ पर मधुर भाव जो है उसकी उत्पत्ति से, यहाँ पर ये प्रश्न है कि मधुर क्या होता है, मधुर तो रसो निपाते द्रव्य नाम, जो रस चीज से रखते हैं वो मधुर है, तो पेट में क्या मधुर है, हमने कोई चेक नहीं वहां पर थोड़ी चेक करें, तो वहां पर क्या है, यहाँ पर मधुर एयर रिप्रेजेंट ऑफ आहार करते हैं, मधुर जो है पृथ्वी और जल माप प्रधानी के जो प्रथम अवस्था है उसमें चटरस युक्त अन्न है, चाहे वो मधुर अम्ल लवण चतुर्थ चटरस में से कोई भी प्रकार का अन्न हो, उसका सबसे पहले जो विभाग होगा डिसइंटीग्रेशन होगा ना, तभी रिकॉम्पोजिशन होगा, डिसइंटीग्रेशन नहीं होगा तो वो तो होमोलॉगस, हमारी बॉडी के होमोलॉगस कैसे बनेगा, वो तो विजातीय रह जाएगा, जैसे कि इसी रूप में क्योंकि हम खाते हैं चपाती खाते हैं, तो हमारे शरीर में चपाती थोड़ी देर अटैच हो जाती है, तो भी ब्रोकन डाउन, तो चाहे हम शरीर से उसका आहार लेंगे, उसका सबसे पहले मधुर जो है, मधुर मतलब और जल महाभूत के परमाणु जो है, ये दिल भी दैट इज वाई दिस अवस्था इज कॉल्ड मधुर अवस्था, एक तो तांबे से भी है दैट इज ओके, बट यहाँ पर जो डिसइंटीग्रेशन की प्रोसेस है, मॉलिक्यूलर डिसइंटीग्रेशन हो रहा है, जो मधुर जो है पृथ्वी जल महा, ठीक है ना, तो सबसे पहले सबसे प्रथमतः किसी भी द्रव्य में एटरसियन से किसी भी द्रव्य का प्योर जल महापुत का भी उत्पादन होता है, अब वो डिसइंटीग्रेशन कैसे होगा, विजातीय तेज के रूप से, विजातीय तेज कौन सा, उस अन्न के लिए जो हमारे शरीर की अग्नि वो विजातीय है, एक्टिवेशन ऑफ दैट थिंग, तो अब उस पंच महाभूतिक आहार में भी पंच महाभूत हैं, विच कैन बी एक्टिवेटेड बाय विजातीय तेज संयोग, ठीक है ना, तो एक्टिवेशन ऑफ द तेज विच इज इनहेरेंट इन द पंचभौतिक आहार दैट हैज टू बी एक्टिवेटेड, ठीक है, उसको एक्टिवेट करेंगे, बिकॉज इफ यू गिव एनर्जी, यू डोंट गिव एनर्जी टू द सिस्टम, तो जो उसके एटम जो परमाणु हैं वो क्या होते थे, कम इनटू मोशन, दे स्टार्ट गेटिंग सेपरेटेड, सेपरेट होने लग जाते हैं भाई, अभिघातन नोदन, ये दो प्रोसेस हैं भाई, फोर्सफुल कॉन्ट्रैक्ट, फोर्सफुल जंक्शन एंड भाई नोदन प्रोसेस, ठीक है, तो अभिघातन और मधुर यानी प्योर जलम आभूषण डीकंपोजिशन होना स्टार्ट होगा, ठीक है, और उसी को सुश्रुति बोलता है, अविगत तपम सम्यक रूपक को आ रहा परिक्रम, तो कैसे होगा ये इसको थोड़ा आगे देखेंगे, तो पहले सबसे पहली चीज क्या है, डीकंपोजिशन ऑफ फूड मटेरियल इनटू कॉन्स्टिट्यूएंट मॉलिक्यूल, यानी कि पृथ्वी और जल महाभूत का सबसे पहले डीकंपोजिशन हो रहा है उसके कॉन्स्टिट्यूएंट मॉलिक्यूल में, और वो कैसे हो रहा है, तेज के संयोग से, अग्नि के संयोग,
और फिर जब वो मॉलिक्यूल अपने अपने द्रव्यों को रिलीज करते हैं, अपने अपने गुणों को मॉलिक्यूलर लेवल पे रिलीज करते हैं, तो उस मॉलिक्यूल का दोबारा से अग्निशय संयोग होगा, तो फिर क्या होगा, फर्दर डिकम्पोजिशन ऑफ मॉलिक्यूल परमाणु, तो पृथ्वी और जल महाभूत से परमाणु तक जो है वो डिसइंटीग्रेट हो रहे हैं वहां पर, और फिर क्या होगा, फिर अग्नि का संयोग होता है, तो अग्नि का पंचिंग रिपीटेड संयोग जरूरी है, देयर हैज टू बी रिपीटेड स्टेज वाइज आल्सो, रिपीटेड संयोग विद अग्नि एंड रिपीटेड स्टेज वाइज आल्सो, इसीलिए पहले मधुर में होता है, फिर उन्हीं परमाणुओं को अम्ल अवस्था में और फिर तत्व अवस्था में, तीनों में, तो अभी हम मधुर पे हैं, तो अब इसके बाद क्या होगा, देयर विल अब डीकंपोजिशन हो गई, परमाणु सब अलग हो गए, उसके बाद क्या होगा, रिकॉम्बिनेशन ऑफ द परमाणु, तो जो परमाणु है पृथ्वी और जल महाभूत के परमाणु है जो विजातीय थे, नाउ दे विल स्टार्ट टू फॉर्म न्यू बॉन्ड, देयर विल बी न्यू रिलेशनशिप, रेणु त्रेणु और इस तरह से वो नए कंपोजिशन बनाते हैं, विच इज होमोलॉगस टू अवर बॉडी, सो दैट टिल द मॉलिक्यूल्स आर अरेंज्ड इनटू यूटिलाइजेबल सजातीय द्रव्य में, जब तक वो यूटिलाइज नहीं कर दिए जाते, अब फिफ्थ जो है वो आगे के लेवल पे है, कमिंग बैक टू अगेन दिस 31st लाइफ, ये जो है सूक्ष्म रूप से विभाग और संयोग ये चलता ही रहेगा, ठीक है, तो देयर शुड बी फ्रेश कॉन्टेक्ट विद तेजस, है ना, और तेज अग्नि महाभूत अग्नि के साथ फ्रेश कॉन्टेक्ट हर बार होना चाहिए, विच विल रिजल्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ, उस हर महाभूत में हर महाभूत भौतिक आहार से फ्रेश गुण प्रोड्यूस होंगे, ठीक है, अब यहाँ पर देखो जो भी हम आहार खाते हैं मधुर अम्ल लवण तत्व चित्त कषाय हर एक में डोमिनेंट नहीं है, तो यहाँ पर फिर क्या होता है, अगर हम मधुर आहार खाते हैं जिसमें पृथ्वी और जल की प्रेडोमिनेंस है, तो वो कफ भाव को बहुत ज्यादा मात्रा में उत्पन्न करेगा, कफ भाव यहाँ पे जल महाभूत से, है ना, केन जलेन फलकिन उत्पत्ति कपा, तो जो जल महाभूत है उसको ज्यादा ये करता है, उद्वीरण करता है, बनाता है, ठीक है ना, तो अगर हम अम्ल लेंगे जिसमें अग्नि और पृथ्वी का है, तो वो भी एक अच्छी मात्रा में कफ को बनाएगा, बस अग्नि होने से कम बनाएगा, और लवण जो है जल और तेज का है वो भी कफो भाव बनाता है, लेकिन उसमें पृथ्वी जो है सेकेंडरी है, वो ब्रैकेट में लिखे हुए वो उतने प्रेडोमिनेंट में नहीं है, अब कटु चित्त कषाय में तो पृथ्वी और जल प्रेडोमिनेंट में है नहीं है, तो वैसे ही कुछ भाव वाले पदार्थ ये आते हैं रस आते हैं, तो इनमें क्या होगा, इनमें शोक मात्र कपम जनेगी, शोक मात्र मतलब बहुत थोड़ा, क्योंकि इनमें पृथ्वी और जल के जो परमाणु है वो बहुत कम मात्रा में रहते हैं, तो जो कम मात्रा में है वो उस पर्टिकुलर अवस्था में कम मात्रा में डिसइंटीग्रेट होगा, कम मात्रा में ही वो उस जल भाव को उत्पन्न करेगा, ठीक है, तो इसका स्लाइड स्टेप क्या है, हमको जैसे अगर किसी व्यक्ति के लिए सोने के लिए मेद और देने हैं, तो कटु चित्त कषाय में ऐसे ऐसे अगर द्रव्य देते हैं तो वो कफ को कम करते हैं, मेद के सादृश्य को कम करते हैं, क्योंकि मधुर भाव में पृथ्वी और जल महाभूत की हम कॉम्बिनेशन कम करते हैं, ठीक है, तो दिस इज व्हाट इज एग्जैक्टली हैपनिंग इन सूक्ष्म पाक्रम के फर्स्ट स्टेज में, ठीक है, अब ये सारा जो आहार है इसमें हम अब पृथ्वी और जल महाभूत की डिसइंटीग्रेशन हो गई, ठीक है ना, और उन्हीं का डिकम्पोजिशन रिकम्पोजिशन ऐसा चल रहा है, अब वो दोबारा से तो यहाँ पर भी ऐसे ही समझना, परंतु पच्यमान से विदग्ध से अम्ल भावता, अब ये जो है पच्यमान से पच्यमान होते हुए अन्न को अम्ल भाव है, विदग्ध से, विदग्ध से मतलब पकवा पक्व से, अभी जो पका है ना पूरा करता है, ठीक है, थोड़ा अग्नि और पृथ्वी महाभूतों का डिसइंटीग्रेशन एंड रिकॉम्बिनेशन हो रहा है, ठीक है, तो इसीलिए ये क्या करते हैं, अपने ही सिंगुलर क्वालिटी वाले भाव जो अच्छे पित्त है उसको उद्धीरण करते हैं, उसको पैदा करते हैं, ठीक है, तो अगेन है बार बार तेज का संयोग होगा और बार बार रिकम्पोजिशन एंड डिकम्पोजिशन विल अकर टिल द पांतु हैज बीन मेड होमोलॉगस टू अवर बॉडी, तो लुक एट एक पिछली स्लाइड है 35, इसमें क्या होता है ना, मैटर कैन मूव फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर, ठीक है, फिजिकल कंडीशन कैन चेंज, केमिकल कैन ऑल्सो चेंज, ठीक है, तो जब टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम गोज अप द मैटर इन द सेम सिस्टम बिकम्स मोर एक्साइटेड एंड एक्टिव, तो वो जो एनर्जी है अगर हम सिस्टम में पुश करते जाते हैं तो फेज चेंज अक्सर होता है, ठीक है, तो मैटर एक फेज से दूसरे फेज में जाने के लिए हाईली एक्टिव, मैटर मतलब जो उसके कॉन्स्टिट्यूएंट मॉलिक्यूल से भी अंदर परमाणु रूप है वो मोर एक्टिव स्टेट में जाते हैं, एंड दैट एक्स्ट्रा एनर्जी अलोन्स द मॉलिक्यूल्स टू चेंज कंपोजिशन, तो व्हेन दिस अकर्स
जब ये एक्स्ट्रा एनर्जी मॉलिक्यूल्स को कंपोजिशन चेंज करने के लिए मिल जाती है तो केमिकल चेंज इट विल अकर, इट वुड आइदर ब्रेक और बिल्ड द केमिकल बॉन्ड. तो जो विजातीय है उसके केमिकल बॉन्ड ब्रेक होंगे जो विजातीय है ठीक है, तो लीडिंग टू फॉर्मेशन ऑफ वन आर मोर न्यू सब्सटेंसेस फ्रॉम द बेसिक फेज. ठीक है, तो अम्लावस्था पास में अग्नि और पृथ्वी महाभूतों का जो, अब अग्नि और पृथ्वी महाभूत इन चरस में जितने जितने अंश में है, जितने ज्यादा है अम्ल में है, अम्ल ज्यादा खाएंगे तो ज्यादा अम्ल प्रोड्यूस होगा उस स्टेज में. ठीक है ना, तो अगर हम कटोटिकिपेटा या अम्ल कम प्रोड्यूस, ये अग्नि और पृथ्वी महाभूत जिसमें कम है इस प्रकार का आहार लेते हैं तो इस अवस्था में भी कम अम्ल जरूरी ऐसा है. नेक्स्ट लाइफ में कभी कुछ अब पक्वाचन तो प्राप्त करते सोचे मानस से बने. अब यहाँ पर सोचे मानस होते हैं. अब इसके लिए हम पिछला जो एग्जाम्पल दिया था ना, तो वो पनीर का ऊपर पॉट रखा था उसके नीचे की मूंगफली भी गर्म होता है. आप अग्नि का साक्षात नीचे ग्रहणी के नीचे पक्वाचे जो है तो महाभूतों का डिसोसिएशन हो रहा है और उनकी तरीके है वायु के साथ. अब क्योंकि यहाँ पर क्या आ गया जो होता था सोचे मान हो गया सारा का सारा क्या कर लिया तो परिभ्रमण करता है पवनम पुनः पवन का परिभ्रमण करता है कहते निर्गत सार वृक्षात परिभ्रमण वृक्ष गुण से इसका परिभ्रमण करता है. अब यहाँ पर क्योंकि हमने देखा कि जो डिसइंटीग्रेशन और रिकम्पोजिशन हो रहा है तो यहीं पर साथ में ही भूत अग्नि पाक चल रहा है. तो इसमें भूत ओम आपके अग्नि वायव्याः पंचोष्माणाः तनावतः पंचाहार गुणान पांचवान पार्थिवादी पचन्ति उनको कुक करते हैं. अपने अपने गुणों को कुक करेंगे तभी डिसइंटीग्रेशन होगा एंड न्यू क्वालिटी विल बी ओपनड. ठीक है, ऐसा है. ठीक है, तो न्यू क्वालिटी आएंगी तो न्यू क्वालिटी आने पर क्या होगा यथा पुष्मंती देह द्रव्य गुणा पृथक जिसकी जो जो क्वालिटी है वो देह के पार्थिवंश जो है वो देह के पार्थिवंश का पूर्ण करेगा लेकिन होमोलॉगस नहीं करेगा. पार्थिवाह पार्थिवान है विशेष पार्थिवंश जो है गंध इंद्रिय ठीक है ना ग्रहण इंद्रिय का भी पोषण करेगा इंद्रिय तक का पोषण होता है. तो अपने पंचभूत आत्मा को जो है आहरा पंचभूत का कैसी लगे उनसे. अब आगे जो बता रहा है नेक्स्ट लाइन 37 परिणामस्तु आहारस्य गुणाः शरीर गुण भावम आकर्षन्ते. अब जो परिणामत आतु आहारस्य जो मतलब तो उसके गुण जो है शरीर गुण भावम आपत्यन्ते शरीर के गुण भाव में उनका कन्वर्शन होना चाहिए तब यथा अविरुद्ध. अगर हमने अविरुद्ध आहार तो अविरुद्ध मतलब मात्रावध नहीं होनी सब क्राइटेरिया को तो आगे देखते पहले देखा था विरुद्ध नहीं होना चाहिए. विरुद्ध का अर्थ है अपोजिट नहीं होता. विरुद्ध का अर्थ होता है धातु प्रदूषक स्वभाव का नहीं होना चाहिए फिर वो चाहे समान गुण का हो चाहे विरुद्ध गुण का. ठीक है, धातु प्रदूषक स्वभाव का नहीं होना ऐसा. अब आगे जो है अगली जो छठवें स्तर अगली जो अवस्था है अब विपाक किया मतलब अवस्था पाठ चल रहा था बहुत आदमी का भी उसमें जठरादमी संयोग से चल रहा था बहुत आदमी धातु अग्नि में भी रहती. ठीक है, वहाँ अलग प्रकार का पाक है. तो यहाँ पर तो भौतिक ने अपने गुणों को जनन किया पतन किया और फिर उन गुणों को जनन किया जनयंति. तो उससे क्या होगा जब परिणाम अंत पहुंचता है आहार तो परिणाम अंत मतलब बॉर्डर पे एंड होने के बाद का अर्थ नहीं है यहाँ पे. ठीक है, तो इट गेट्स कन्वर्टेड दैट होल चतुर्थ युक्त आहार गेट्स कन्वर्टेड टू न्यू क्वालिटी व्हिच इज होमोलॉगस टू आवर बॉडी एंड दैट कन्वर्शन ऑफ आहार रस विच वाज सजातीय इनटू सजातीय एंड The formation of new qualities is represented by विपाक. इसलिए क्या बोला जाटरेन अग्निना योगादि. ठीक है,
तो परिणाम काल भाग जटर अग्नि तिर योग से उदेशी यदुदेशी यदुदेशी मतलब उत्पत्ति से पैदा होता है जो रथांतर रथांतर पैदा हो ठीक है। रथांतर जो है मतलब जो पहले गुण थे उनके एक नए गुण की उत्पत्ति। तो यहाँ पर रस जो है विशेष तरह गुण का बोधक है इसको गुण से समझना चाहिए ठीक है। रसाना परिणाम है तो जो रसांतर होता है मतलब गुणांतर हो रहा है चेंज इन द क्वालिटी गुण क्वालिटी आर बीइंग फॉर्म्ड एंड रसाना परिणाम अंतर परिणाम अंतर मतलब परिणाम के बॉर्डर पे बॉर्डर पर है ठीक है। वैसे बोलते हैं ना कि इस तंत्री का ही अंतर है या इस तंत्री का ये अंतर मतलब बॉर्डर है ग्राम अंत है गाँव का ये बॉर्डर है एंड है अंत है तो उसको क्रॉस पूर्ण करता है उसके क्रॉस होने के पार पार ठीक है। इसलिए परिणाम अंत है तो रसाना परिणाम अंत से विपाक ठीक है। रसाना परिणाम अंत मतलब जो हमने शरीर को सहार खाया था उसका गुणांतर दान हो रहा है इट हैज बीन कन्वर्टेड इनटू न्यू क्वालिटी इट हैज होमोलोगस टू अवर बॉडी दैट इज कॉल्ड विपाक। तो जो कार्यानुभूय है उसको एक्सेप्ट किया है वो कार्य से पता चलता है विपाक तो शुद्ध कार्यानुभूय मतलब अनुमान गम्य है यानी कि हमारे जो ग्रंथकार रहे इन सबने सब प्रश्नों के विपाक जिनके बताए विचित्र प्रत्यारस के विपाक बताए कुछ चतुरस और मधुर विपाक भी तो वो अलग अलग इनको दे है इन देयर वर्क ऑफ दैट पर्टिकुलर द्रव्य तो वो कार्य से देगा ऐसा था ठीक है। तो जरा ना निष्ठा पहले रसांतरम रस विशेषा मतलब गुण विशेष यहाँ देना यहाँ रस रस ये गुण विशेषता ही देता रसो निपाते द्रव्य ना निपात कर्म निष्ठ तो फाइनल वर्डिक क्या है तो लास्ट लाइन में लिखा विपाक लक्षण क्यों पाप के क्या लक्षण है जटर अग्नि योगा आहार से निष्ठा काल मतलब परिणाम काल आहार के जो संपात कर्म है जटर अग्नि के प्रयोग के यो गुण उत्पत्ति जो हमने मधुर रस खाया था उसका जो कन्वर्शन हुआ गुण रसांतर मतलब न्यू गुण है तो विपाक ठीक है। इवन दो इसको रस के नाम से मैं कहूँ इवन दो इसको इधर विपाक और द्रव्य के बाद हम लोग कटो खाने पर आपको मधुर लगेगा दीज आर द रस रिप्रेजेंटेटिव कंपोजिशन जो पवित्र महाभूत प्रदान हो अति महाभूत प्रदान हो महाभूत प्रदान ठीक है। तो सिमिलर क्वालिटी के बेसिस पर फंक्शन करता है उन्होंने अपना टाइम बताया तो उसको मधुर बोल दिया तो आपको अब ये समझना है कि रस से रस के कार्य में जो दो कार्य थे रहता ये विवाद करेगा पर दिस इज नॉट रसा ये रस नहीं है ये क्वालिटी है रसांतर दान गुणांतर दान है ठीक है। और अब देखेंगे कि सेटिंग बात करें तो आज कटु बात मधुर लवन है इसका मधुर होगा विपाक हमने जो है वो अम्ल होगा और कटु दिक्कत है कटु विपाक होगा कटु विपाक मतलब न्यू क्वालिटी का फॉर्म बिहेविंग इन ए मैनर विच इज मतलब getting converted in one the body composition of madhur and lavan is getting converted to some type of homologous material which behaves in a manner similar to that of madhur rasa but it is not rasa ठीक है। these are gunantar dhan ki upan पर एक मधुर जो अक्षर को गुरु और लघु करके समझिए मधुर जो है ठीक है मधुर ठीक है अब लवन जो है उसने दूर है तो अगर इनका भी मधुर तो होगा तो लवन जो है वो कम मधुर होता है ठीक है क्योंकि वीर्य से रस जो है या विपाक जो है यहाँ पर वो अभिभूत हो जाता है वीर्य यहाँ पर काम करने में चलता है इसलिए त्रीणि द्रव्याणि न अत्यधम उपयोग तीन द्रव्यों का ज्यादा उपयोग नहीं करना चाहिए सिंपली लवणम क्षारम लवण क्यों नहीं मधुर विपाक पर ही खाओ हम तो खाते भी हैं अपने आगे सलाद रखा डेढ़ किलो नमक डाल देते हो उसके ऊपर पता करना नहीं चाहिए जीवन तो लवण का मधुर विपाक है बच्चे विधि विश्व भी है और चरण सूत्रखान तक में लवण आहार जितने कमानी जितने भी नहीं है जितने कम है जितने जितने चर जितने कम तो जितने कम मतलब कि उष्ण है बहुत ज्यादा उष्ण है लवण तो लवण का मधुर विपाक होने के बावजूद भी मात्रा युक्त लेने पर ही तो शरीर पर अच्छा काम करता है अति मात्रा में लेंगे तो उष्ण भी ऐसे काम करेगा छुटका नाश करेगा हरी वजू सभी तरह सब हो जाता है क्यों आता है थोड़ा मधुर विपाक फिर हमको ध्यान में रखना है कि मधुर शीत मधुर है लवण उष्ण मधुर विपाक होता है ये यहाँ पर ऐसा भी ध्यान रखता हूँ कि विपाक किस तरह का हो रहा है और अम्ल का भी इसी तरह से कटु होता है उनका भी इसी तरह से ध्यान रखना है अम्ल के कटु उष्ण कौन सा है
तो ये भी देखिए देखो मॉलिकुलर ट्रांसफर। अब यहाँ पर जो मधुर अंग नगर जो गुणांतर है ये हमारे जो है फॉर्मूल है हो चुका है। इसलिए इनके जो कर्म बताए हैं वो कैसे हैं, मधुर और लवण मधुर है एक तो भाव प्रधान है और ये दृष्ट विमोत्रो विवाद कप शुक्रदा जीवन तो कप शुक्रदा इन लवणम नाश्यर्थम उपयोगी था लवण फिर भी नहीं खाना है ज्यादा ठीक है। तो ये त्रिष्ट गुणमूत्र होंगे इजिली पास आउट होती है यूरिन एंड डेफिकेशन ठीक है। इसीलिए लवण भास्कर पान वास्तु दृष्टि में देते हैं हम ठीक है ना पंच लवण है ठीक है। बट वो भी ध्यान से देखना त्रिष्ट गुणमूत्र ठीक है। अब विपाक जो है कप शुक्र ठीक है, तो ये विपाक का कप शुक्र जो है रहता है फल जो। अब अम्ल जो है अम्ल विपाक की है और ये क्या करते हैं अम्ल जो है रूपी भाव में लिख दिया है बट अम्ल बेसिकली शुद्ध भाव ठीक है लघु उष्ण ठीक है ऐसा होता है ठीक है। तो अम्ल जो है अम्ल विपाक तो अम्ल गुणांतर हो रहा है इसका दैट इज पित्त प्रीत पृष्ठ गुणमूत्र बट स्टिल बिकॉज ऑफ उष्ण वीर्य जैसे हमने बात की विपाक में है बट उष्ण वीर्य है तो क्या होता है शुद्ध नाशन ठीक है। इसलिए शुक्र नाशन तो पित्त होने से मधुर विपाक के साथ मीठी क्वालिटी लैक हो रही है क्या हो गया प्रणाशन हो गया शुक्र दीप नहीं है ठीक है ना। तो इसी तरह के पौधे से इनका जो गुणांतर धान होता है न्यू पॉजिटिव फॉर्म होती है क्योंकि जीवन जो बट ये वायु और आकाश महापुर अग्नि महापुर को करती है तो उससे क्या होगा शुक्र हाथ शुक्र नाशन है बच्चे दिन मुझे और वातक वास को बढ़ाती है। ल शब्द जो है वात लेशमा लिस्तर लो ल आता है ना वो पृथ्वी तो पृथ्वी यहाँ पर इनकी अब इसी प्रकार अब ये जो सारा क्रम था ये आहार भाव का मेन क्रम है क्योंकि क्रम जो है ये पोषण क्रम है ठीक है। तो इसके रस से जो तत्व है ना उसके अंश तो आहार रहता आहार रस बन गया आप यहाँ पर फाइनली जो विपाक से गुणांतर दान हुआ नाउ इट इज रेडी नाउ रसस्तु रिडियम या यहाँ से समान मारो दीजिएगा पहले फोर्थ इधर से वाइटर का समान है वहां पर एक ऐसी फोर्स है जिसे कॉल्ड ध्यान कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सटेंशन है फोर्स इन रिजल्ट। तो वो क्या करता है क्वेश्चन से तो आहार आहार रस का पोषण करता है रस रुधिर मांस मेदो अट्ठी मज्जा शुक्र और यहाँ तक पोषण कर रहा है प्लस पंच इंद्रिय द्रव्य पंच इंद्रिय द्रव्य क्या पंच महा जिनको हम धातु प्रसाद संज्ञक जैसा कहते हैं तो धातु प्रसाद संज्ञक मतलब पूर्ण पंच इंद्रिय द्रव्य आर फॉर्म्ड फ्रॉम प्रसाद अब
आदमी जो संपर्क में आने का फोन बाद मास्क से पुष्टि करेगा अनुभव जो है पेट का प्रदर्शन बनाता है स्रोत्र नाता कर्मी अक्षर अक्षय प्रजनन आदि स्रोतों का ये सब जो है स्रोत्र का मतलब ये है तक मांस धातु को बच्चे बहुत थोड़े थोड़े आते हैं मांस धातु तो शरीर में बहुत बड़ी है ये सब थोड़े से आते हैं जी उसके बाद पेट धातु जो है अपने उनसे नरिश होगी एक जोड़ में जाएगा फिर अस्थि का प्रोसेसिंग हो रही है तो अपने अपने यूटिलाइजेशन के हिसाब से सब अपने अपने न्यूट्रिशनल एंड को लेते हैं ठीक है यहाँ पर पोजीशन
और मलम अभी भी बल्कि जो अंग है जो है जो विपरीत समानता इंक्लूडिंग विपरीत और उपलक्षण से स्नेहा ऑल्सो इंक्लूडेड हेयर तथा अंतरी बृहदंत्र क्षुद्रंत्र बुद्ध ऑल्सो उपलक्षण से इंक्लूडेड हेयर ये सारा जो है मलधर कलाता है मलधर कला इंक्लूडेड हेयर। तो मलधर कला से हम ऐसा नहीं समझना है कि सिर्फ विपरीत में जो पाक होगा उससे अलग प्रकार का मल बनता है, जो इंटेस्टाइन में पाक होगा उसमें अलग प्रकार का मल बनता है, जो अन्य अंग हैं अन्य अवयव हैं उनमें जो पाक होगा उन्हें अलग प्रकार का मल बनेगा, तो मल तो बनेगा ही, ठीक है। तो हर एक में क्रिया वैशिष्ट्य है, इसलिए रड में बंधु कथम विभजते मल मन मलधर कला रड का सेपरेशन पूरी फ्रॉम इंटेस्टाइन इज स्टार्टिंग फ्रॉम बंधु का। तो प्रधान स्थान जो है कपा तो बंधु की क्रिया व्याप्ति जो है जो फंक्शनैलिटी है दैट स्टार्ट्स फ्रॉम व्यक्तिक समंतात कोष्ठ अंतराम एंड बंधु अपने अपने तरीके से। और इसमें तो ऐसा भी मतलब हमको और एक्सटेंड कर सकते हैं, अंतर जो है कुटिल है, अंतर की जो निरुक्ति है अपने कुटिल जो मतलब तो हर एक मोर में अलग प्रकार का पाठ हो रहा है, इवन दैट कैन बी स्टेशन बट वो फिर पार्किंग से रह जाता हूँ। तो पृथक पृथक विधान यानी कि विपरीत में अलग अलग प्रकार के सार पुस्तक का विभाजन होगा, अंतरण में अलग तरह से होगा, समानता कोष के अन्य अंगों में अलग अलग। तो क्रिया वैश्विक अंतरण बहुवचन में बहुवचन में जो किया है हर एक पार्ट में अंतर के स्वरूप अलग है और विशेषता है क्रिया जैसा दिखती है। पुरुष कला में हाँ देखिए जो पुरुष कला में जो पाप होगा वो दो प्रकार के होता है, एक तो वायु से भी होता है सार पुस्तक विभाजन है अन्नवाहिनी दूषण वैगुण्य पावक और अग्नि अगर कहीं दूषित हो जाती है तो उसका भी अन्य स्रोतों का दृष्टिकरण। तो इसी तरह पुरुष का स्रोतों का दृष्टिकरण भी है, संधारणार्थ अति अशनाथ ज्यादा खाने से, अजीर्ण में खाने से अध्यय ऊपरी भोजन ठीक है वैसा करने से और वर्ष वाहिनी दुष्ट पृष्ठ में दुर्बल लागू। तो इसी तरह से क्योंकि तार पित्त में पित्त जो है वो मल भी है मूत्र द्रव भाग में मूत्र शोधक भक्ष्य अश्विनी सेवनाथ मूत्र मित्र आदि मूत्र को भी मूत्र वाहिनी ज्यादा सत्तर So I am thankful to chairman of Srimati Urmila Devi, Ayurvedic College, Ishwarpur, Junior Amarjit Singh Valiya, and our respected principal, Dr. Meenakshi ma'am, and staff members of the CSR department, and other all the staff members also deserve a huge thanks for providing me an opportunity to speak up. And Chief Guest, Guest of Honor, Professor Vijay Chaudhary, also deserve special thanks for being part of this great initiative. I thank everyone for such a great initiative. Thank you. Thank you, sir. Thank you very much. It was very informative and valuable speech. Thank you so much. You explained very beautifully the whole concept of Ahar, Paak and Agni. Thank you very much, sir. Samjha paya, itni khushi hai. Thank you very much, sir. Okay, the next lecture will be held on 9th August at 11 a.m. by the Himan Kumar in the Department of Dravyaguna. Okay, thank you. Hello. Hello. Thank you, sir. Thank you very much, sir.